नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव 11 में। तो पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस साउथ अफ्रीका अंडर 19 का आज सेकेंड ODI मैच है। बात करेंगे इस मैच के ड्रीम 11 टीम के और साथ साथ बात करेंगे दोनों ही टीमों के पिछले प्लेइंग 11 और पिछले मैच में परफॉर्म करने वाले प्लेयरों की परफॉर्मेंस की। आपको बता दें, सेकेंड मैच है, 7 ODI मैचों की सीरीज खेलने गई है पाकिस्तान अंडर 19 की टीम साउथ अफ्रीका। और फर्स्ट मैच आपको बता दें 17 यानी 17 रन से जीत गई थी पाकिस्तान अंडर 19 की टीम। और आज सेकेंड मैच खेला जाने वाला, तो चलिए बात करते हैं इस मैच के ड्रीम 11 टीम और पिछले प्लेइंग 11 के बारे में। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिलते वीडियो को देख करके ड्रीम 11 की टीम बना सके। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को पता ही है। और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो के नीचे राइट साइड नीचे कॉर्नर पे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, आप देखिए बस उसके ऊपर आपको टच ही करना होता है। प्लीज़ आप उसके ऊपर टच कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं दोनों टीमों के पिछले प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका का पिछला प्लेइंग 11, एंड्रू लॉस, जोनाथन वर्ड, लुक बीफॉर्ट, ब्राइस पर्सन्स, माइकल कोपलैंड, कायना कोटानी, टियान बैन बुरेन, गरेल कोटजी, अकीम मीनार, उसके बाद क्लॉट, फिर लिफा नेटाजी। तो ये रहा साउथ अफ्रीका अंडर 19 का पिछला प्लेइंग 11। और पिछले मैच में जिन बैट्समैन ने स्कोर किए थे, रन बनाए थे, आप देख सकते ब्राइस पर्सन्स ने बनाए थे 57 यानी 57, लुक बीफॉर्ट ने बनाए थे 46 यानी 46, जोनाथन वर्ड ने बनाए थे 40 यानी 40। इसके अलावा जिन बॉलर ने विकेट लिए थे साउथ अफ्रीका अंडर 19 का पिछले मैच में, आप देख सकते हैं ब्राइस पर्सन्स ने लिए थे 2 विकेट, लिफा नेताजी ने लिए थे 2 विकेट, इसके बाद क्लॉटे ने लिए थे 1 विकेट, टियान बैन वुरेन ने लिए थे 1 विकेट, कोटजी ने लिए थे 1 विकेट, माइकल कोपलैंड ने 1 विकेट लिए थे। तो ये इनके बॉलर थे जो प्रीवियस मैच में विकेट लिए थे पिछले मैच में। और पिछले मैच में जो बैट्समैन ने स्कोर किए उनका भी आप रिकॉर्ड मैंने दिखा दिया, वो कितने कितने स्कोर बनाए थे पिछले मैच में बैट्समैन साउथ अफ्रीका अंडर 19 के। तो अगर इनको आप अपने ड्रीम 11 की टीम में रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान टीम की। तो पाकिस्तान का पिछला प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं, बशीर अली, हैदर अली, रोयल नाजीर, कासिम अक्रम, मोहम्मद हरीस, फहद मुनीर, अब्बास आफरीदी, आमिर अली, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और अख्तर शाह। तो ये पाकिस्तान अंडर 19 का पिछला प्लेइंग 11 है। और पिछले मैच में जिन बैट्समैन ने स्कोर किए थे, नहीं रन बनाए थे, आप देख सकते हैदर अली ने 60 यानी 60 बनाए थे, अब्बास आफरीदी ने 53 यानी 53 बनाए थे। इसके अलावा जिन बॉलर ने विकेट लिए थे, आप देख सकते अब्बास आफरीदी ने 2 विकेट लिए थे, नसीम शाह ने 2 विकेट लिए थे, अख्तर शाह ने 1 विकेट और फहद मुनीर ने 1 विकेट। तो ये इनके बॉलर थे जो पिछले मैच में विकेट लेते परफॉर्म किए थे। इनको अपने ड्रीम 11 टीम में रखना चाह रहे तो रख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो ड्रीम 11 टीम में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे हम विकेट कीपर की। तो विकेट कीपर आप देख सकते आपके पास 4 ऑप्शन है, आर नाजीर, बीफॉर्ड और इसके बाद कुटानी और शाह का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नाजीर और बीफॉर्ड को लिया। आप चाहो तो यहाँ पे कुटानी और शाह के साथ भी जा सकते हो, या फिर किसी एक विकेट कीपर के साथ जा सकते हो, या किसी किसी 3 विकेट कीपर के साथ भी जा सकते हो। न्यू रूल के हिसाब से आप 4 विकेट कीपर भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 ही विकेट कीपर के साथ जा रहा हूँ, आप देख लीजिए आपको किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। मैं आर नाजिर के साथ जा रहा हूँ, बीफॉर्ड के साथ जा रहा हूँ। और इसके बाद बात करता है बैट्समैन की। तो बैट्समैन में मैंने अकरम को लिया, इसके अलावा मैंने हैरिस को लिया, आमिर अली को लिया है और जे बर्ड को लिया है। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन है, आप ये मीनार को आप ले सकते हो, एफ मुनीर को ले सकते हो, मोहम्मद आमिर जूनियर को आप ले सकते हो। तो कुछ ऑप्शन आपका बचता है, इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किन को लेना है, जो 4 मैंने लिया, अगर इनसे सेटिस्फाई तो इन्हीं के साथ जाइएगा, नहीं तो आप इनसे सेटिस्फाई नहीं तो बाकी के ऑप्शन में से आप ट्राई कर सकते हो। और कोपलैंड भी आपका ऑप्शन है, तो बाकी के ऑप्शन में से अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो तो ट्राई कर सकते हो। और जो 4 बैट्समैन मैंने लिए वो अक्रम है, एम हारिस है, आमिर अली है, जे वर्ड है। इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर के। ऑलराउंडर में मैंने बी पर्सन्स को लिया और टियान बैन ब्रून को लिया। इसके अलावा आप ले सकते हैं एम जुनेद को और लॉ को ले सकते हो, ये भी आपका एक ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन आपके पास, आप देख सकते हो लॉ का ऑप्शन आपके पास बचता है। जो 2 ऑलराउंडर मैंने लिए वो पर्सन्स है और बैन ब्रून है। तो अगर आप इन दोनों से सेटिस्फाई, इन दोनों के साथ जाइएगा, या फिर इन दोनों से सेटिस्फाई नहीं तो लॉ के साथ आप जा सकते हो। और जो 2 ऑलराउंडर मैंने लिए वो पर्सन्स है और बैन ब्रून है। इसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की। तो बॉलिंग में 3 बॉलर मैंने लिया, एच अली को लिया, बी अली को लिया,
इसके अलावा जो तीसरा बॉलर लिया है वो नेताजी को लिया है। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन है आप कोटजी को ले सकते हो और अब्बास अफरीदी को ले सकते हो, नसीम शाह को ले सकते हो, कुलटे को ले सकते हो। तो कुछ ऑप्शन आपके पास बचता है, इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो, या फिर जो तीन बॉलर मैंने लिया आप इनके साथ भी जा सकते हो अगर इनसे सेटिस्फाई हो तो। अगर इनसे सेटिस्फाई नहीं तो जो ऑप्शन आपके पास बचता है आप उनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। अब्बास अफरीदी को ट्राई कर सकते हो। अब्बास अफरीदी आप देख सकते हो 62 पॉइंट पिछले मैच में कलेक्ट किए, तो इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। और जो तीन बॉलर मैंने सेलेक्ट किया आप देख सकते हैं एच अली है, वी अली है, इसके अलावा आप देख सकते हैं नेताजी है। और अब्बास अली की मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हैं अब्बास अली 79% लोगों ने इनको लिया। अगर आप इनके साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और इसके बाद बात करेंगे हम टीम प्रीव्यू और कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो मैंने यहाँ पे कैप्टन परसोंस को बनाया और वाइस कैप्टन नाजीर को बनाया। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन है आप आमिर अली को बना सकते हो, एस हैरिस को बना सकते हो, अकरम आपका ऑप्शन है, बिफोर्ड हो गए, जेबर्ड, बेन ब्रून है आपका ऑप्शन। तो इनमें से आप किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, बाकी के ऑप्शन में से बनाना है, या फिर जो दो मैंने सजेस्ट किए इन दोनों को ही बनाना है, परसोंस और नाजिर को। और इसके बाद मैं लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को पता है, तो नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा बस उसको टच कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा हमारा चैनल। और वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए ड्रिब्लिंग टीम बनाने में, और हमारी चैनल की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, हमारे चैनल प्रमोट हो जाएगा। एंड आई होप इतनी रिक्वेस्ट कर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।